आज भी तीन टंकारे मिलुछि खाइबा ए कथा सुनिले अविश्वास लागि पारे हेले एबे कोलकाता शहर रे एमिति किछि होटल अछि जेउठी मिलुछि सस्ता रे खाइबा। आज भी आपण भात ओ माछ झोळो तीन टंकारे खाइ पारिबे। एहा केवल गोटिए कि दुईटी होटेल नुहे, सहर रे अनेक होटेल एमिति सस्ता खाइबा मिले। एही सब होटेल को पाइस होटेल बोली कहा जाए। सस्ता मूल्य रे खाइबा मिलुथुबारु एभळी नामकरण करा जायछि। तेबे होटेल गुड़िक आज कालीर नुहे, किछि होटेल शहे वर्षर होइथिबा बेले आउ किछि होटेल 60-70 वर्षर पुरुणा। ए होटेल गुड़ी को राइस होटेल बोली कहा जाए, किंतु लोके यहाँ को हिंदू होटेल ले बोली कहते। तबे आपड़ो केबे कोलकाता जानती ताहल एही होटेल को जिबा को आदो भूलिबेनी। एही खाद्य केवल सस्ता नुहे, एही सब होटेल लु आपण कोलकाता रो पारंपरिक स्वाद भी पाई परिबे। तबे एहा मध्ये सत जे किछि होटेल ले एही खाद्य 3 टंका रे मिलुथुबा बेले अन्य होटेल वाला टिक्के अधिका नेउछंती, किंतु एहा सहर रो अन्य सहर तुलन रे बहुत सस्ता रहिछि। एहा छोडा एही सब होटेल ले अन्य सुस्वाद खाद्य मिलुथुबा बेले जहार दाम भिन्न भिन्न रहिछि, किंतु आपण अन्य स्पाइस होटेल लु 3-25 टंका भितरे पेट पुराई मन शांति रे खाई पारिबे। तबे मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन समय बहुत भीड़ देखा जाए। अनेक होटेल ले कदली पत्र एवं गिनारे खाद्य परसा जाउथबा बेले किछि होटेल ले चेयर टेबल पड़िथिबा बे देखा जाए। होटेल गुड़िक वेज थाली सस्ता होता बेले नॉनवेज थाली किछि मात्रा रे महंगा रही थाए। आउ सेगुड़िक हेउछि पारंपरिक बंगाली खाद्य, जो सब खाद्य केवल सोरिष तेल एवं सोरिष बहुमात्रा रे व्यवहार होता है। कुहा जाए जे आपण कोलकाता सहर रे केबे भोकिला रही पारिबेनी। एही कथाटी पूरा पूरी सत। एही सहर केबे काहाकु भोकिला रखे नाही। जदि आपण को पाखरे बेसी पैसा नहीं, तेबे आपण कोलकाता रो पाइस होटेल ले बहु खाद्य खाई पारिबे। वर्तमान आपण निश्चय भावुथुबे जे एगुड़ी को कोलकाता रो पाइस होटेल काहेकि कहा जाए। एही नाम पैसारु उत्पन्न होइछि, जहाँकि भारतीय मुद्रा रो सबुठारु छोट एकक। ब्रिटिश जुगरे एही होटेल गुड़िक एठारे आरंभ होइथिला, सेतेबेले देशर राजधानी थिला कोलकाता। ब्रिटिश माने एठारे शासन भी करुथुले। ब्रिटिश राज्यरे पैसा को पाइस कहा जाउथुला। तेबे कोलकाता गले निश्चिंत एही होटेल रे खाइ नियंतु। ब्युरो रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।